गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हमने जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और हमने विद्युतक के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा की। वह कोशिकाओं का समूह जो लगातार है ना लगातार विभाजनशील अवस्था में रहता है उसको विद्युतक कहते हैं। विद्युतक की वह कोशिकाएं जो अब आगे विभाजन करना बंद कर देती है, विभाजन की क्षमता खो देती है, उन उत्तकों को क्या कहा जाता है दोस्तों, या यूं कहूं कि उन्हीं से जो उत्तक बनते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके स्थाई उत्तक। क्या बनते हैं दोस्तों वो स्थाई उत्तक। तो दोस्तों आज हम हमारा नया जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थाई उत्तक। तो पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे विद्युतक कोशिकाएं जो विभाजन क्षमता, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विभाजन क्षमता खो देती है। विभाजन क्षमता खो देती है। अब दोस्तों या तो खो देती है ऐसे कर सकते हो, या विभाजन करना बंद कर देती है। आपको जो आसान लगे वो याद कर सकते हो, है ना। तो ऐसे विद्युत कोशिकाएं जो विभाजन क्षमता खो देती है, स्थाई उत्तक को कर स्थाई उत्तक में बदल जाती है, या यूं कहूं कि स्थाई उत्तकों का निर्माण करती है, है ना। तो स्थाई उत्तक में बदल जाती है या स्थाई उत्तक का निर्माण करती है या स्थाई उत्तकों का निर्माण करती है। तो दोस्तों जो आपको इजी लगे वो अच्छे से याद कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो ऐसी विद्युतक कोशिकाएं जिन्होंने अपनी विभाजन की क्षमता को खो दिया है, यानी कि अब वो आगे लगातार विभाजन नहीं कर रही, तो उन कोशिकाओं को स्थाई उत्तक कहते हैं। क्लियर। अब बात करें प्रकार, तो स्थाई उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बात करें दोस्तों, तो हमने बात की भी है स्थाई, पहले अगर बात करें तो सरल उत्तक। सेकंड बात करें तो जटिल उत्तक। एंड थर्ड बात करें तो विशिष्ट उत्तक। क्लियर। अब हम फर्स्ट जो ले रहे हैं दोस्तों वो ले रहे हैं हमारा सरल उत्तक। तो फर्स्ट हम यानी इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ले रहे हैं दोस्तों सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू। ठीक है दोस्तों, सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू। दोस्तों सरल और जटिल उत्तक में फर्क क्या है, तो आप नाम को शब्द को थोड़ा गौर से देखें। सरल और जटिल, जटिल को आप संयुक्त भी कह सकते हैं जिसको हम आगे टॉपिक में चर्चा करेंगे। सरल का मतलब है दोस्तों एक जैसी कोशिकाओं का समूह, है ना। तो समान कोशिकाओं का जो समूह है वो आपके सरल उत्तक के अंदर आती है। चलो तो बात करते हैं समान कार्य आकृति वाले कोशिका के
कोशिकाओं के, है ना, कोशिकाओं के समूह को सरल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरल ऊतक कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं होगी जिनकी आकृति लगभग लगभग समान होगी और कार्य भी उनका एक जैसा ही होगा, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को सरल ऊतक कहते हैं। राइट, अब हम दोस्तों बात करें कि सरल ऊतकों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सरल ऊतकों के प्रकार। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरल ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतकों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको फ्लो चार्ट याद है, अगर आपको दोस्तों फ्लो चार्ट अगर याद है, तो हमने वहां चर्चा की थी कि सरल ऊतक दोस्तों आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन, मृदु ऊतक, स्थूल ऊतक और दृढ़ ऊतक। क्लियर? चलो तो वन बाय वन हम सबकी बात करें। तो देखिए दोस्तों, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं तो वो है आपके मृदु ऊतक। सरल ऊतकों के जो प्रकार है, उसमें फर्स्ट जो हम ले रहे हैं दोस्तों वो है आपके मृदु ऊतक। मृदु ऊतक इसको दोस्तों कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या कहा जाता है दोस्तों अंग्रेजी में? पैरेन्काइमा कहते हैं। अब ये है क्या दोस्तों? इस टिश्यू को एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो जीवित है, एक चीज गौर से सुनिएगा, जीवित कोशिकाओं का जो समूह है आपके पैरेन्काइमा, एक चीज। दूसरी चीज, पौधों का जो भी भाग भोजन को स्टोर करता है ना, हरा भरा और हेल्दी है, मृदुतक। कोशिकाओं में भोजन संग्रहित करना, ऊर्जा को संचित करके रखना, मृदुतक। क्लियर? तो अब इस थोड़ा सा शब्द को पकड़े, मृदु, मृदु का मतलब है सॉफ्ट, है ना। तो वो कोशिकाएं जो सॉफ्ट यानी कि सरल और मृदु प्रकार की हो, वो सारी इसमें काउंट की जाती है। क्लियर? तो इनकी विशेषता देखिए, तो दोस्तों इनकी विशेषता देखिए कि इनकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, पहला अगर बात करें पॉइंट, तो मृदु तक जो कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार आकृति की होती है, आकृति की। क्लियर? गोलाकार, अंडाकार आकृति की हो सकती है। सेकेंड फीचर्स की बात करें, ये कोशिकाएं जीवित होती है। राइट, ये क्या होती है दोस्तों? ये कोशिकाएं आपके जीवित होती है। ये कोशिका है ना, इनकी प्रत्येक कोशिका पतली झिल्ली वाली, गौर से सुनिएगा दोस्तों, पतली झिल्ली वाली होती है। राइट, क्या होती है भाई? पतली झिल्ली होती है। इन कोशिकाओं के बीच, देखिए दोस्तों, इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या गैप पाया जाता है, जो आप यहां देखिए डायग्राम में जो व्हाइट कलर का जो आपको गैप दिख रहा है, उन गैप को कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, है ना। तो इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। राइट, क्या होता है दोस्तों? अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। और इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है ना क्या है? ये भोजन का संचय
यानी कि स्टोर करती है, भोजन का संचय करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को आपके कहते हैं दोस्तों मधुतक या पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो आप इसको शॉर्ट में यूं समझ लीजिए कि पौधे का जो भी जीवित भाग है ना, जो भी मृदु भाग है, वहां पर आपके पैरेन्काइमेटस जो कोशिकाएं वो पाई जाती है, या इनके कई बार मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं, इनके कई प्रकार के मॉडिफिकेशन भी मिलते हैं, जैसे आपके वायु तक यानी कि एरियनकाइमा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर अगर बात करें तो आपके जो क्लोरोफिल जो है पिगमेंट, वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं, तब ये पर्ण मध्युतक कहलाती है। तो वो इनके अलग अलग रूपांतरण होते हैं। क्लियर, चलो सेकंड बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका अगला जो इसका प्रकार है वो है दोस्तों स्थूल कौणोतक। क्या नाम है दोस्तों? स्थूल कौणोतक, इसको कहते हैं आपके कॉलेन कायमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉलेन कायमा, कॉलेन कायमा। क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? कॉलेन कायमा। ये देखिए दोस्तों, ये जो कोशिकाएं हैं ये लगभग आपके बेंजीन का जो आकृति है ना, बेंजीन की जो आकृति है, उस आकृति की कोशिकाएं होती है, षटकोण इसको अपन कहते हैं। क्लियर, एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों, इनका जो कॉर्नर है ना, जहां इनकी कोशिकाएं मिलती है, इनके कॉर्नर पर पैचेस पाए जाते हैं ना। ये देखिए, जो आप यहां इसे गौर से देखें तो हर एक कॉर्नर पर जमाव पाया जाता है, पैचेज होते हैं, जिसकी वजह से है ना, यहां पर पैचेज पैक्टिन के है ना, पैचेज होते हैं, थप्पा कह सकते हो या जमाव कह सकते हो, एक चीज, जिसकी वजह से इसमें ये पौधों में लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो ये प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर, तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि ये ऐसी कोशिकाएं जो षटकोणीय आकृति में होती है, पहली बात, इनके कोशिकाओं के जहां कॉर्नर मिलते हैं वहां पैचेज पाए जाते हैं, पैक्टिन आदि के जमाव पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें अंतराकोशी के जो स्थान है वो नहीं होता। क्लियर, एंड देन इनका मुख्य कार्य है कि पौधों में लचीलापन, यानी कि जो भी झाड़ियां वगैरह है जो झुक जाती है और वापस खड़ी हो जाती है ना, टहनियां वगैरह, तो वो जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसी कोशिकाओं के समूह के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, चलो तो बात करें कि ये कोशिकाएं षटकोणीय आकार की, षटकोणीय आकृति की होती है। फिर बात करें इन कोशिकाओं के किनारे पर, किनारों यानी कि कौन है ना, किनारों पर पैक्टिन या कैल्शियम है ना, का पैक्टिन या कैल्शियम का जमाव पाया जाता है, जमाव पाया जाता है जिसके कारण इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। और फिर और इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इनका मुख्य कार्य पौधे में लचीलापन लाना है, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जो है, वो इस उत्कों के समूह के द्वारा लाया जाता है। क्लियर दोस्तों, चलो
तो स्थूल कोणों तक ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य रूप से ये आपकी मिलता कहाँ है, ये मुख्य रूप से मिलता है दोस्तों आपके तने की जो कोशिकाएं हैं, कहाँ मिलता है दोस्तों, तने की जो कोशिकाएं हैं, है ना, तने, तो तने की कोशिकाओं के अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलो तो मध्योतक सेकंड नंबर स्थूल कोणों तक, थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर है दोस्तों आपने देखिए, थर्ड नंबर जो है वो है आपके इस आपके इस दृढ़ों तक, क्या कहते हैं दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा। इधर देखिए दृढ़ोतक या स्क्लेरेंकाइमा जो है नाम से समझ में आ रहा है दृढ़ोतक यानी कि दृढ़, तो ये कठोर कोशिकाओं का समूह होती है पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि इनके जो बीच में, इनके बीच में लिग्निन नामक एक पदार्थ होता है उसका जमाव पाया जाता है ना, तो उस लिग्निन नामक जमाव की वजह से ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। राइट दोस्तों, ध्यान रखना ये जो कोशिकाएं हैं, देखिए जैसे ये कोशिकाएं जीवित होती है तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये कोशिकाएं भी जीवित होती है, ये कोशिकाएं षटकोणीय आकृति होती है तथा ये जीवित होती है, ये क्या होती है दोस्तों, ये आपके जीवित होती है, ये जीवित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या होती है, जीवित होती है। बट ये जो दृढ़ोतक जो कोशिकाएं हैं इनकी जो गुहा होती है ना, अंदर की जो ल्यूमेन होती है, वहां लिग्निन के जमाव हो जाने से ये आपके मृत हो जाती है। राइट, और ये इनकी जो आकृति है आप देख सकते हैं दो प्रकार से होती है, एक फाइबर के रूप में है ना, यानी कि रेशे के रूप में, राइट, और एक होती है दोस्तों कण या स्क्लेट्स को कहते हैं, कण के रूप में या स्क्लेट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसको आपके कहते हैं दृढ़ोतक कण कहते हैं या दृढ़काय भी कहा जाता है। क्लियर, चलो तो इसकी चर्चा करें, तो थर्ड नंबर है दोस्तों, थर्ड नंबर जो सरल उत्तक है वो है आपके दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा, क्या कहते हैं दोस्तों स्क्लेरेंकाइमा, क्या कहा जाता है स्क्लेरेंकाइमा। तो सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके ऊपर चर्चा करें तो वो है दोस्तों ये मृत कोशिकाएं होती है। देखिए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर था वो मैंने सबसे पहले लिख दिया है कि ये मृत कोशिकाएं होती है। अब क्यों होती है ना, उसके ऊपर चर्चा करें, ये मृत कोशिकाएं होती है क्योंकि 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 इनकी गुहा में, क्योंकि इनकी गुहा में कौन सी भी कोशिका की जो गुहा होती है ना ल्यूमेन, गुहा में लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। इसका तो फिर इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य दोस्तों यांत्रिक सहायता करना ना, यांत्रिक सपोर्ट करना, मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो देने का काम इसका होता है आपके दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा का। ठीक है, चलो तो बात करें कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट है दृढ़ तंतु, फर्स्ट होता है इसमें तंतु, राइट, और सेकंड होता है दोस्तों स्क्लेट्स, क्या होता है स्क्लेट्स, इसको कहते हैं कण, क्या कहते हैं स्क्लेट्स या आपके कण, इसको स्टोन सेल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको स्टोन सेल भी कहते हैं, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। तो दोस्तों पहले बात करें तंतु की, तो इसकी बात करें तो ये लंबी कोशिकाएं होती है जो पौधे में यांत्रिक सहायता
का कार्य करती है। ठीक है, अच्छा, मुख्य रूप से कहाँ होती है, मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे, मुख्य रूप से ये आपके तने पर मिलती है ना, तने का जो आंतरिक कंपोनेंट्स है वहां पर ये पाई जाती है, राइट। उसके अलावा नारियल की जो जटाएं होती है वहां पर भी ये मिलती है, क्लियर। फिर बात करें स्केलेट्स या ये जो कण है स्टोन सेल्स, ये मृत संरचना, ये मृत संरचनाएं बीज या फिर आपने अगर अमरूद खाया होगा है ना, तो अमरूद है तो अमरूद के अंदर तो कड़कड़ाहट जो होती है ना, जो कण जो आते हैं वो इसी के बने होते हैं, है ना, वो इसके आप एग्जांपल कह सकते हो, राइट। तो दोस्तों देखिए, सरल जो उत्तक है ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, मृद उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, यानी कि स्केलेटल काइमा। जीवित संरचना है और क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। मृत संरचना है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है दोस्तों एक तो यांत्रिक सहायता करना, और जो पौधे का जो दृढ़ भाग है ना, कठोर जो भाग है, जैसे बीज वगैरह, बीज का खोल हो गया, जैसे आपकी अखरोट उसका जो कवर हो गया, नारियल की चटाई हो गई है ना, तो वो इनसे मिलकर के बनी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी गुहा में आपके क्या पाया जाता है, लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसकी वजह से ये मृत संरचनाएं होती है और ये यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट करने का कार्य करती है, क्लियर। तो दोस्तों ये तो था आपके सरल उत्तक, ये तो था आपके सरल उत्तक। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है दोस्तों आपके जटिल उत्तक। अब हम हमारा नया टॉपिक क्या ले रहे हैं दोस्तों, नया टॉपिक ले रहे हैं जटिल उत्तक यानी कि संयुक्त उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो जटिल जो उत्तक है नाम से ही समझ में आ रहा है, जटिल यानी कि इसमें एक से अधिक, अच्छा एक दो, इसका अन्य नाम आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हो संयुक्त उत्तक, इसको आप क्या कह सकते हो, संयुक्त यानी कि एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं का जो समूह है वो समूह मिल करके क्या बनाता है, संयुक्त उत्तक या जटिल उत्तक। ठीक है दोस्तों, चलो तो बात करें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई में, देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इकाई के रूप में कार्य करती है, उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कोशिकाएं है ना, यानी कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इकाई के रूप में मिलकर के कार्य करें तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को जटिल उत्तक कहते हैं। क्लियर, जटिल उत्तक दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, चलो बात करते हैं। देखिए जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बात करें तो दोस्तों पहला है आपके जाइलम और सेकंड है आपके फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम, तो ये दो ऐसे कोशिकाओं का जो समूह है जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक यूनिट के रूप में है ना, एक इकाई के रूप में कार्य करती है, तो उनको कहते हैं दोस्तों जटिल या संयुक्त उत्तक। क्या कहते हैं दोस्तों,
जटिल भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो आपके संयुक्त, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम एक होता है फ्लोएम। तो दोस्तों पहले हम चर्चा कर रहे हैं, वो है दोस्तों आपके जाइलम। क्या है पहला दोस्तों, पहला है दोस्तों आपके जाइलम। देखिए दोस्तों इस जाइलम को दारू भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, दारू भी कहा जाता है। अब दारू कहते ही दिमाग में कुछ और आता है ना, तो वो दारू नहीं है जान लेना, वो दारू है ना, और बट इसको क्यों दारू कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है जाइलम। क्या कहते हैं दोस्तों, जाइलम। अब दोस्तों ये जाइलम है कौन, पहले इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों जाइलम एक वो भाग है ना, जाइलम एक पौधे का वो भाग है जो मिट्टी से जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर पौधे के वायवीय भागों की ओर लेके जाते हैं। कहां पर, जहां पर भोजन बनता है, यानी कि पत्तियां यानी कि लीव है ना। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, जमीन से है ना, जड़ों से पत्तियों की ओर पानी खनिज लवण को पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करते हैं दोस्तों, वो करते हैं आपके जाइलम यानी कि दारू। क्लियर, चलो तो पहले इसकी चर्चा करते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जल व खनिज लवण, जल जल व खनिज लवण, खनिज लवणों को पौधे के वायवीय भाग है ना। तो दोस्तों मुख्य भाग कौन सा है, पर्ण है ना, वायवीय भाग यानी कि पर्ण, क्योंकि हमें पता है कि पौधे के पर्ण को यानी कि लीफ को क्या कहते हैं, रसोई घर है ना। तो पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको जाइलम का एक ही लाइन में बता दिया है कि कार्य क्या है। कार्य ये है कि जल और खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाना, अर्थात ध्यान रखना कि जड़ से पत्तियों तक एक नेटवर्क पाया जाता है ना, अर्थात जाइलम का जड़ यानी कि मूल है ना, जड़ या मूल से पर्ण तक एक नेटवर्क कह लीजिए है ना, एक नेटवर्क पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है। तो ये तो बेटा कि जाइलम के सामान्य इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि जाइलम कितने कोशिकाओं से, कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो उसमें देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बात करें क्या है कि जाइलम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है या बना होता है। तो अब ये चार प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन है उसके ऊपर चर्चा करें। उससे पहले अपन इस डायग्राम के ऊपर देख लें कि देखिए ये जो डायग्राम है वो है आपके जाइलम का, ठीक है। तो देखिए एक जाइलम जो है उसमें आप देखोगे एक तो होता है ट्रेकिड्स, एक होता है वेसल जिसको कहते हैं वाहिका, ठीक है, ट्रेकिड्स और वाहिका। तो उसके अलावा और भी भाग होते हैं, तो उन सभी चारों जो भाग है उन चारों भागों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों जाइलम जो है ये चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब वो चार कोशिकाएं कौन कौन सी है तो वो देखें। तो दोस्तों फर्स्ट जो है वो होती है आपके वाहिनिकाएं,
वाहिनी काय, जिनको कहते हैं ट्रेकिट, ट्रेकिट्स, ठीक है। सेकेंड नंबर जो होती है वो होती है वाहिका, इसको कहते हैं वेसल्स। थर्ड नंबर पर होती है दोस्तों जाइलम, जाइलम मधुतक। और फोर्थ नंबर पर होती है दोस्तों जाइलम रेसे, या फाइबर कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो जाइलम जो है दोस्तों इस प्रकार से चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ट्रेकिड्स वेसल्स, जिसको अभी आपने यहां देखा है, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स, वाहिका को वेसल्स कहते हैं ना, तो ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। देन बाकी जो और है जाइलम मधुतक और जाइलम रेसे, यानी कि फाइबर, क्लियर। अब ये है क्या, तो इनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों इन दोनों की कंबाइंड अगर बात करूं तो इन दोनों को देखिए, आप यहां दोबारा पुनः देखें कि ये दोनों जो है एक नलिकाकार सिलेंड्रिकल आकार का है ना, बेलनाकार एक संरचना होती है, पहली बात। इन दोनों में ट्रेकिड्स का जो डायमीटर है अंदर का वो छोटा होता है, अंदर की जो ल्यूमेन होती है वो छोटी होती है, जबकि वेसल्स यानी कि वाहिका की बड़ी होती है, क्लियर। इन दोनों के फीचर्स जो है, कार्य जो है, वो दोनों के समान है। क्या है, दोनों के आंतरिक जो बल है, आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, इसमें लिग्निन का जमाव पाया जाता है। किसका दोस्तों, लिग्निन का, जिसकी वजह से ये मृत भाग होती है। और इनका काम क्या है, इनका काम है दोस्तों जल खनिजों को ऊपर की ओर पहुंचाने में मार्ग प्रोवाइड करवाना, यानी कि वे रास्ता देना, क्लियर। चलो तो पहले इनकी चर्चा करते हैं। तो इन दोनों को मैं कमांडली यहां लिख रहा हूं, वाहिकाएं और वाहिका ना, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं का आकार, आकार यानी कि अंदर की गुहा है ना, आकार छोटा होता है, छोटा होता है, जबकि जबकि वाहिका, वाहिका का आकार बड़ा होता है। देखिए इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, वाहिका ऐसे जोर देके बोलते हैं ना, वाहिका, वाहिका ऐसे जोर देके एक दो बार बोलेंगे अपने को याद हो जाएगा, यानी कि बड़ा जो आकार है वो होता है वाहिका का, और इसका होता है छोटा आकार, क्लियर। इन दोनों के द्वारा ना, दोनों का, दोनों का मुख्य कार्य जल एवं खनिज, जल एवं, जल एवं खनिज, खनिज लवण, लवणों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाना है, पहुंचाना है। फिर बात करें इनकी आंतरिक भित्ति पर किसका, लिग्निन, लिग्निन का जमाव, जमाव होने के कारण ये क्या होते हैं दोस्तों, ये मृत होते हैं, ये मृत होती है या होते हैं, राइट। तो ये तो क्या दोस्तों, आपके वाहिका और वाहिनिका होगा। फिर बात करें दोस्तों मृदुतक और फाइबर, इनको आपने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था दोस्तों, वो आपने पढ़ा था दोस्तों सरलतकों में। तो दोस्तों एक चीज दिमाग में सेट रखिएगा कि जहां कहीं पर भी मृदुतक की बात होगी तो वो मृदुतक और कोई अलग से नहीं होगा, ये मृदुतक वही है जो आपने सरलतकों में पढ़ा है, और हर जगह पर इसके कार्य भी वही होंगे। क्या कार्य होगा, कि जीवित होगी,
पतली झिल्ली वाली इनकी लेयरिंग होगी, अंतरा कोशी का स्थान होगा, भोजन का संचय करेंगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो मैं यहां आपको पुनः रिपीट कर देता हूं कि ये जो अभी हमने जो बात हम बात कर रहे हैं कि जाइलम मधुतक, तो जाइलम मधुतक और कोई नहीं है, ये वही सामान्य मधुतक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका मुख्य कार्य भोजन आदि का संग्रहण करना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, ये दोनों जो संरचनाएं हैं, ये दोनों तो क्या है, मर्द है, तो इनका कार्य क्या था? इनका कार्य एक तो सपोर्ट और जल को ऊपर पहुंचाना, राइट। चलो तो इसकी बात करते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, ये सामान्य प्रकार की मधुतक सामान्य प्रकार की मधुतक कोशिकाएं होती है। जिसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना है। फिर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये जाइलम का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवित भाग है। जाइलम का जीवित भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी आपके जाइलम मधुतक के बारे में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फाइबर यानी कि रेशे। तो वही तो अभी हमने देखा था कि जो स्क्लेरल काइमेटस है, ये दोस्तों इन्हीं स्क्लेरल काइमेटस कोशिकाओं के जो पैचेज है ना, जो थब्बे हैं, जो धागे हैं, जो रेशे हैं, वो जाइलम के बीच बीच में पाए जाते हैं। और इन्हीं रेशों को, इन्हीं ना दृढ़ता को यहां क्या कहा जाता है, जाइलम रेशे यानी कि जाइलम फाइबर कहा जाता है। समझ में आ रही है बातें दोस्तों? चलो तो चलो इनके ऊपर बात करते हैं। ये दृढ़ोत्तक कोशिका के दृढ़ोत्तक कोशिका के बने होते हैं, राइट। ये जाइलम का मृत भाग है जिसका मुख्य कार्य यांत्रिक सहायता यानी कि सपोर्ट, इसका मुख्य कार्य यांत्रिक सहायता करना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी कि जाइलम के चार भाग है, चार भाग में से एकमात्र ये वो है भाग जो है जीवित है ना, बाकी वाहिका और वाहिनिका मृत होती है, और ये जो है फाइबर ये भी मृत होता है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो जाइलम के ऊपर हम बात कर रहे थे। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो कि आपके चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारा सेकंड जो ऊतक है वो है फ्लोएम। सेकंड कौन सा है दोस्तों? सेकंड है हमारा फ्लोएम। इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं पोषवाह। अब देखिए पोषवाह का मतलब क्या है? पोषवाह का मतलब होता है दोस्तों पोषण, और वाह का मतलब होता है वाहित करना, पहुंचाना। तो दोस्तों फ्लोएम के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य पौधे में
पौधे में पोषण, पौधे में पोषण, पौधे में पोषण, पोषण यानी कि भोजन है ना, पोषण का स्थानांतरण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि पौधों में पोषण का यानी कि भोजन का बढ़ता हुआ जो भी भोजन है उस भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कार्य है वो इसका है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये भी क्या है, जालम की तरह चार अलग अलग भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, चलो तो पहले उसको देखते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके फ्लोएम का डायग्राम है ना, तो ये जो डायग्राम है वो फ्लोएम का है। तो फ्लोएम जो है दोस्तों चार अलग अलग भागों से मिलकर के बना होता है, और वो भाग कौन कौन से है उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, एक है आपके चालनी नली का तत्व, ये ट्यूब्स होती है सॉरी, उसके बाद में आपके सहायक कोशिकाएं, इसको सहचर कोशिकाएं कहते हैं, देन फ्लोएम आपके पेरेंकाइमा वाला, और एक इनमें होते हैं फ्लोएम फाइबर। तो दोस्तों ठीक जाइलम की तरह फ्लोएम भी चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। चलो तो उसकी चर्चा करें, तो देखिए फ्लोएम के प्रकार है ना, तो फ्लोएम चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है राइट। तो फर्स्ट बात करें, फर्स्ट है आपके चालनी नलिका तंत्र कह दीजिए एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये नलिका का संरचना है, ठीक है, इसकी सरफेस पर छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से, जैसे ये ऐसी नलिका का संरचना होती है और इसके सरफेस पर ऐसे छिद्र पाए जाते हैं ऐसे, तो इनको चालनी छिद्र कहते हैं, चालनी छिद्र कह दीजिए या चालनी प्लेट कह दीजिए वो कहा जाता है राइट। और ये जो है इसको कहते हैं आपके चालनी नलिका राइट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कि जो छिद्र है वो छिद्र बीच बीच में ऐसे जाइलम फ्लोएम के अंदर इस तरीके से पाए जाते हैं, और इन्हीं छिद्रों के बीच से है ना, इन छिद्रों के बीच से दोस्तों जो भी फूड वगैरह है, भोजन वगैरह है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ऐसे पौधे के सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्लियर, चलो तो चालनी नलिका तंत्र, तो ये इसमें अगर बात करें तो ये फ्लोएम का नलिकाकार भाग है जो कि मृत होता है राइट। चलो सेकंड नंबर के ऊपर बात करें तो सेकंड नंबर होती है दोस्तों सहायक कोशिका। सेकंड नंबर क्या होता है दोस्तों, सेकंड नंबर है आपके सहायक कोशिका। तो दोस्तों होता क्या है कि इनके आसपास है ना, तो इसके आसपास क्या है कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसे यूं एक जैसे ये हो गई और एक ही ऐसे, तो ये जो कोशिकाएं हैं है ना, इन कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। तो ये सामान्य सिंपल प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। चलो ये जीवित कोशिकाओं का समूह होती है, ये जीवित कोशिकाओं का समूह होती है राइट। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें बीच बीच में है ना, इनके बीच बीच में रेसे लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करती है, और फाइनली इसमें जो फ्लोएम पेरेंकाइमा है ना। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट है आपके थर्ड नंबर, है फ्लोएम मृदु तक। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने चर्चा की भी है, बस केवल नाम चेंज हुआ है, जाइलम की जगह पर फ्लोएम।
तो वो भी सेम है जैसे हमने जाइलम के ऊपर बात की। एंड फोर्थ नंबर जो है आपका वो है आपकी फ्लोएम रेसे है ना, या फाइबर, या फाइबर। तो दोस्तों ये दोनों फीचर्स जो है वो हमने जाइलम में देखा हुआ है, सेम वही है, बस आपको यहां नाम चेंज करना होता है। क्या कि फ्लोएम मर्दोत्तक एक जीवित भाग है, ये कौन सा भाग है दोस्तों, ये जीवित भाग है ना, ये फ्लोएम का जीवित भाग है और ये फ्लोएम का मृत भाग है ना। तो दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा, फ्लोएम में, फ्लोएम के अंदर जो चार भाग होते हैं, चालन नलिका तंत्र, जिसमें चालन नलिका तंत्र मृत भाग है, राइट, सहायक कोशिका जो कि जीवित भाग है, और फ्लोएम मर्दोत्तक भी जीवित भाग है। तो कुल मिलाकर के इनमें दो स्ट्रक्चर जो होती है जीवित होती है और दो स्ट्रक्चर जो होती है वो मृत होती है। क्लियर। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने स्टार्टिंग से बात की थी आपके सरल ऊतकों के विषय में, ठीक है, फिर सरल ऊतकों के हमने प्रकार देखे कि किस तरीके से इसके तीन प्रकार होते हैं, मर्दोत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। देन हमने देखा कि जटिल ऊतक, दूसरा जो हमने पॉइंट लिया था दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, दूसरा जो हमारा पॉइंट था, सेकंड जो हेडिंग थी वो थी हमारे दोस्तों जटिल ऊतक, यानी कि जटिल ऊतक जो है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के इसका स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें हमने देखा जाइलम और फ्लोएम, किस प्रकार से जाइलम में, जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वाहिकाएं, वाहिका, जाइलम मर्दोत्तक और जाइलम रेसे, राइट। इसमें मर्दोत्तक को छोड़कर के तीनों जो भाग है वो डेड होते हैं। और डेड हमने बात की फ्लोएम, तो फ्लोएम में चालनी नलिका तंत्र, सहायक कोशिका और आपके फ्लोएम मर्दोत्तक और फ्लोएम रेसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रगण जो भी फैमिली है उसमें भी इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो टॉप लेवल है वहां तक पहुंचाएं, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।